शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नागपुर सावनेर मार्ग पर गोदनी भोकारा टी पॉइंट पर पुराना चुंगी नाका स्थान पर नागपुर शहर की तैनात यातायात विभाग की टीम द्वारा वाहन की चेकिंग सोमवार को की जा रही थी। इस दौरान बोगस पुलिस वाले खड़े कर उनसे वाहनों की चेकिंग करवाए जाने का मामला सामने आया है। नागपुर सावनेर मार्ग पर गोदनी भोकारा टी पॉइंट पर पुराना चुंगी नाका स्थान पर खुद को ट्रैफिक पुलिस बताकर वाहन चालकों की चेकिंग कर उनसे पैसे लूटने का मामला सोमवार को सामने आया है। नाके पर फर्जी पुलिस वाले खड़े कर उनसे वाहनों की चेकिंग करवाए जाने का मामला सामने आने के बाद इस घटना की शिकायत की गई। शिकायत होने के पश्चात ही कुछ ही घंटों में वहां पर तैनात टीम को हटाया गया। सुबह 11 बजे से हमेशा की तरह यातायात विभाग की टीम वाहनों की जाँच कर रही थी, लेकिन दो लोग खाकी पैंट और ब्लैक शूज पहनकर शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों को रोक रहे थे। वाहन चालकों का दोनों फर्जी पुलिसकर्मी चालान बना रहे थे। यह सब कार्यकर्ता शेखर कोलते ने देखा तो यातायात विभाग के गजबिये और टेकाले से पूछताछ की। वाहनों को रोकने के लिए दोनों लोग यातायात विभाग के नहीं होने का खुलासा होने पर इसकी शिकायत DCP ट्रैफिक, ट्रैफिक व्हाट्सएप नंबर और नागपुर पुलिस आयुक्त भूषण कुमार उपाध्याय से की गई। अगले कुछ ही देर में यातायात विभाग की टीम वहां से वाहनों की जांच का काम छोड़कर निकल गई। इस संदर्भ में यातायात विभाग के उपायुक्त साली इनसे बात करने पर उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच किए जाने के पश्चात यातायात विभाग के लोग दोषी पाए गए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि यातायात विभाग द्वारा वाहनों की जांच के दौरान विभाग के टीम द्वारा ही जांच की जाती है। वाहनों पर नियंत्रण यातायात विभाग पुलिस द्वारा किया जाता है, लेकिन यातायात विभाग की टीम ने निजी दो लोगों को पुलिस की वर्दी पहनाकर फर्जी पुलिस खड़े कर उनसे वाहनों को रुकवाया जा रहा था। वहीं यातायात की टीम वसूली में व्यस्त थी। पुलिस द्वारा ही पुलिस प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए फर्जी पुलिस खड़े कर वसूली का काम किया जा रहा है। सभी पुलिस वालों पर उचित कार्रवाई कर उन्हें निलंबित करने की मांग शेखर कोलते ने की है।